नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के ऐसे छात्र जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं, उनकी संख्या हर साल के साथ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में एससी एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए एक साल की छूट दी गई है। अब 2019 से 2022 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान छात्रों का कोई भी नए पारिवारिक आय प्रमाण पत्र मान्य हो गया है और इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे पहले छात्रों को उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र देना होता था जिस वर्ष की छात्रवृत्ति का वो प्रमाण पत्र होता था, जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के वो पात्र होते थे। 38 जिले में इसको लेकर 4 लाख छात्रों को लगभग 478 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मंत्री जी की माने तो पोर्टल में तकनीकी दिक्कत और कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों को देखते हुए ही स्कॉलरशिप आवेदन के लिए शिथिलता दी गई है। हालांकि इससे पहले छात्रों को उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र देना होता था जिस साल की स्कॉलरशिप के वो पात्र होते हैं और 38 जिले में 4 लाख लोगों को लगभग 478 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मंत्री जी की माने तो पोर्टल में तकनीकी दिक्कत और कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन से होने वाले परेशानी को देखते हुए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए शिथिलता दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र मान्य होता है जिसे साल के लिए छात्र की तरफ से आवेदन किया जा रहा है। दूसरे साल में नए प्रमाण पत्र देने होते हैं। जिनके पास आय प्रमाण पत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22 में से किसी भी एक साल का है और उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। 2018-19 में भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दस्तावेज अपलोड ही नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से छात्रों का आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा था। इसको देखते हुए 2021 में शिक्षा विभाग ने नया पोर्टल विकसित किया है। इसमें 3 साल का समय भी गुजर गया। इसी बैकलॉग को क्लियर करने की छूट अब दी गई है। अब आपको बताते हैं कि छात्रों को आखिर कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। 2000 रुपए इंटर पास छात्रों को, 5000 रुपए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ITI को, 10000 रुपए त्रिवर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और अन्य को, 15000 रुपए मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स वाले छात्रों को, 75000 रुपए नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों के लिए निफ्ट सहित केंद्रीय शिक्षण संस्थान के छात्रों को, वहीं 90000 रुपए IIT और NIT छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीद है कि इस छूट के बाद SC/ST छात्रों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।